वो अधिवक्ता है, कोई समाज के आम व्यक्ति नहीं है, वो अधिवक्ता है जो भारत के अलग अलग न्यायालयों में बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी वेतन, बिना किसी भत्ते, बिना किसी टोल टैक्स के जाते हैं और भारत के समस्त जनता को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। ठाकुर ने जिस इस महापंचायत को बुला करके जो एक इतना बड़ा संघर्ष किया और बलिदान किया, क्योंकि आज सरकार से लड़ना वाकई में बहुत बड़ी बात है। एक अधिवक्ता समाज ही है जो सरकार से शासन प्रशासन से लड़ने का कुमक रखती है, लेकिन हमारी सरकार शायद बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया अपना रही है अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन सरकार को भी ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि अधिवक्ता समाज उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और हमारे लिए समितियां बना करके सर न छोड़े। मैं ये बताना मेरा सुझाव बस इतना है कि समितियां तो तभी भी बनाई गई थी जब भारत आजाद हुआ था, अनुच्छेद 343